हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में ना इंस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा ये देख रहे हैं, किस चीज का पेड़ है कोई बता सकता है? ये तो पेड़ हमारा 6 महीने पहले का लगा हुआ है। अभी आज सुबह एकदम तुरंत तत्काल में लगाए हैं, 8 घंटा पहले कह सकते हैं। उसमें कितना सयन फरा है वो दिखाती हूँ, तो बने रहे वीडियो में। देखिए तो दोस्तों, बड़ा ऊपर टहनी में लगा है। इसको तोड़ने के लिए ना सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ लेते हैं। कहीं गिर ना जाए, गिर जाएंगे तो हंसने लगेंगे आप लोग। अरे बाबा, अरे बाबा। बड़ा मुश्किल से डाली पकड़ में आया है, संयन भी पकड़ में आ गया। अब तोड़ लेते हैं फटाफट। ये देखिए, ले लीजिए दोस्तों, पकड़िए, जब तक मैं तोड़ती हूँ। ला जा, नुकसान हो गई। वैसे भी इसका डाली तोड़ के तब जाके तोड़ा जाता है। ये चीज की डाली ना बहुत कमजोर होता है, पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, तो कृपया ध्यान दें। तो तोड़ लिए हैं, तो बहुत सारा तोड़ लिए हैं दोस्तों। देखिए संयन, संयन इसको मतलब जमीन में गाड़ दीजिएगा, पौधा तैयार। तो ये वाला संयन को छोड़ देते हैं, सांभर बनाएंगे। अब जल्दी से चलते हैं, अब बनाते हैं। देख रहे हैं कितना फ्रेश फ्रेश संयन है। किराए का घर है मुझको, चल चल के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है मुर्गा का अंडा, मुर्गी का अंडा, गोल गोल डंटा, मुर्गी का अंडा मुर्गा का अंडा। तो दोस्तों गोल गोल डंटा, लाम लाम डंटा, मुर्गी के अंडा। इधर जा रहा है कढ़ाई पे मुर्गा, अगर नया टेक्निकल आयल बा दीदी, मुर्गो अंडा देता है गरिया। नया जमाना में भाई नया नया चीज होता है, मुर्गा अंडा देता है। तो मुर्गा के अंडा उबाल लेते हैं, तो 6 ठो मुर्गा के अंडा है, उबाल लेते हैं इसको, ठीक है? आप चाहें तो आलू भी उबाल सकते हैं मुर्गा के अंडा के साथ। और दोस्तों आप लोगों को तरफ मुर्गा का अंडा मिलता है कि नहीं बता दीजिएगा, हमारे इधर तो आसानी से मिल जाता है। इसमें हाँ, इस वाले मुर्गा में ना चूजे नहीं निकलते हैं, ये टेक्निकल से बनाया गया है। चूजा वाला दूसरा अंडा होता है। एक और लकड़ी लगाना पड़ेगा। तो इधर अंडा हमारा धीरे धीरे उबल रहा है, चूल्हा जल गया है। तो एक थाली लिए है, ये फसूल है, फसूल से क्या करेंगे इस तरीके से, जो ड्रम स्टिक है हमारे यहाँ संयन सजना मूंगा सूटी भी बोला जाता है, मूंगा सूटी छुई, मूंगा सूटी छुई उड़ीसा साइड में बोला जाता है। तो इस तरीके से मूंगा सूटी को छीलते जाएंगे, काटते जाएंगे, बड़ा बड़ा ही काटिएगा। और फिर इसको छीलना भी है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा छिलका ज्यादा निकल जाता है तो छीलने में आसानी होता है। ये देखिए इस तरीके से, आप चाकू से भी इसी तरीके से सेम कर सकते हैं। हम लोग इस फसूल से करते हैं तो जल्दी हो जाता है, और सारा मैं ऐसे काट लेती हूँ। पानी में डाल दिए ना, तो इस तरीके से सड़ सड़ छिला जाता है। ये देखिए इस तरीके से छील लीजिएगा, और फटाक से कर छीलना भी आसान हो जाएगा। उसका छिलका उतारने के बाद फिर कैसे बनाएंगे हम, वो आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत से तरीके हैं संयन का सब्जी बनाने का। इस तरीके से ना हमारी मम्मी बनाया करती थी, 4 गांठ छोटा छोटा गांठ लहसुन है, इसको भी छील लेंगे और अच्छा से हम 2-3 पानी संयन को धो लेंगे। तो लहसुन भी छील लिए हैं, यहाँ पे देसी टमाटर लिए हैं,
और देसी टमाटर को भी अच्छा से धो लेंगे, मिट्टी लगा हुआ देख रहे हैं। टूट गई चूड़ियों का, इधर हमारा अंडा भी उबल गया होगा, चेक कर लेते हैं। अरे वाह, अंडा तो उबल चुका है। तो अंडा उबलने का पहचान है, इसमें क्रेक आ जाता है देख रहे हैं, तो यानी कि उबल गया है। तो अब हम जल्दी से ना सोच रहे हैं दोस्तों कि इसमें दो आलू भी डाल लें क्या, तो सोच रहे हैं दोस्तों दो आलू भी डाल लें और मसाला तैयार कर लें फटाफट। प्लानिंग में चेंज, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सब्जी बढ़ जाएगा, आलू को धो लेंगे, आलू को धो लेंगे बढ़िया से। इधर जो अंडा हम उबाले हैं उसको एक बड़ा सा बर्तन में रख लेते हैं, ठंडा हो जाएगा। यही कढ़ाई को हम साफ करेंगे दोबारा से। अब एक हम साफ कढ़ाई चढ़ाते हैं, अब एक एक करके सभी अंडा को हम छिलका उतार लेते हैं। सरसों का तेल हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। इसमें हम अपना अंडा भी तल लेंगे और साथ में सब्जी भी बनाएंगे। यहाँ पे हम तेल को अच्छा से गर्म कर लिए हैं, तेल में ना अच्छा खासा गर्माहट होना चाहिए। 2 अंडा हम डालते हैं पहले। ये अंडा थोड़ा ना अजीब सा हो गया है, फ्राई करके निकाल लेंगे हम। तो बस फ्राई हो गया अंडा हमारा। 2 चुटकी मेथी डालेंगे तड़का में और 2-3 छोटा-छोटा तेज पत्ता। इसमें हम डालेंगे आलू और सहजन। तो अच्छा से हम सिलबट्टा को धो लेंगे, धोने के बाद में इस पे हम मसाला रेडी करेंगे। 1 छोटा चम्मच 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 15-20 काली मिर्च, यहाँ पे अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्चा ले लें। और सबसे पहले हल्दी को कूट के हम पीसेंगे। और मसाला को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। मसाला हम पीस के कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर आलू और सोयाबीन ना, यहाँ पे आलू और जो हमारा सहजन है बहुत ही अच्छा भून चुका है, बीच में मैं चला भी दी थी। मसाले ऐड करेंगे यहीं पे, 1 कप पानी भी डालेंगे। डालने के बाद सभी चीज़ों के साथ ना मसाला को अच्छा से भूनेंगे चलाते हुए। अब यहीं पे आपको रसेदार बनाना है, उसके हिसाब से नमक डालिएगा स्वाद अनुसार या 1.5 छोटा चम्मच। अब ये देसी टमाटर भी इसी में हम डाल देंगे। चाकू से काट लेती हूँ, नहीं तो हमारे दोस्त बोलेंगे कविता जी अब तो हाथ से ही काट रहे हो। अब कम से कम मसाला और टमाटर वगैरह सब कुछ डालने के बाद में नमक वगैरह, अब इसको ना 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लें। ढक्कन से कवर करके फिर भूने। तो यहाँ पे हम सब्जी को अच्छा से भूनेंगे, बीच बीच में चला भी देंगे। देख रहे हैं कितना बेहतरीन भून रहा है सब्जी। इस मसाले से बना के देखिएगा, इतना मजा आएगा आपको। तो जब भूनते भूनते आप देखिएगा कि कढ़ाई का तल्ला में मसाला जो है चिपकने लगा है, तेल छोड़ने लगा है। देख रहे हैं, ये देखिए बुलबुले तेल छोड़ने लगते हैं।
तो समझ जाएं कि हमारा जो मसाला है ना बहुत ही बेहतरीन भुन चुका है और खुशबू भी आने लगेगा आपको। तो यहीं पे आपको देखना है कि हमें ग्रेवी कितना रखना है, तरीदार कितना बनाना है। तो अच्छा खासा मैं तरीदार बनाऊंगी क्योंकि इसको ना तरीदार खाने में ही मजा आता है। अब यहीं पे तला हुआ अंडा को हम डाल लेंगे। अब इसको खोला लेंगे बढ़िया से, उसके बाद हमारा सब्जी जो है बनके तैयार हो जाए। तो अच्छा से पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सयन और अंडा का सब्जी बनके तैयार हो गया है, एकदम जबरदस्त टेस्ट लगता है दोस्तों। तो अब इसमें से आप चाहे चावल के साथ सर्व करें या रोटी के साथ सर्व करें, दोनों के साथ खाने में बहुत ही मजा आता है। तो सब्जी बन गया है तो चूल्हे को बुझाल देंगे और जो कोयला अंदर है ना उसको भी कोयला बना लेते हैं हम लोग। और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें पाउडर और थोड़ा धनिया की पत्ती, फिर तो आप इसको रोटी पराठे किसी के साथ भी बहुत मजा आएगा आपको खाने में। तो गर्मा गर्म सयन और अंडा का सब्जी बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब इस तरीके से आप बनाइएगा, खाइएगा और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये हमारा मसालेदार अंडा सयन की सब्जी कैसी लगी। अगर आपको हमारा अंडा और सयन का सब्जी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और लेकिन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा घर में। वैसे आप अगर अंडा नहीं खाते हो तो ना डालें, आलू के साथ बनाएं, सेम मसाला रहेगा और आलू के साथ बना सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ, जब तक के लिए एंजॉय करें सयन और अंडा का सब्जी।